अभी के टाइम में फ्री फायर में लगभग हर एक बंदा टॉप अप करता है, लेकिन अगर बात हो जाए 3 साल पहले की, जब फ्री फायर में कोई भी बंदा टॉप अप नहीं करता था और उस टाइम पे इंडिया में बहुत ही कम बंदों को टॉप अप करना आता था, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर बंदों को रिडीम कोड, पेटीएम, इन सब के बारे में पता ही नहीं था। तो उस टाइम पे बाकी सब की तरह मुझे भी नहीं पता था फ्री फायर में टॉप अप कैसे करते हैं, और उस टाइम पे मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, पेटीएम नहीं था, और ना ही मेरे घर के पास पेटीएम डालता था या फिर रिडीम कोड मिलते थे। आखिर इन सब के बाद मैंने अपना सबसे पहला टॉप अप कैसे करा था। तो आज का स्टोरी टाइम बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, कैसे आप लोग सही तरीके से टॉप अप सकते हो अगर आपके पास पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट नहीं है तब भी। और मैं आपको पहले बता दूं, फ्री फायर वो सबसे पहला ऐप या फिर गेम था जिसके अंदर मैंने ऑनलाइन पेमेंट करा था। फ्री फायर से पहले आज तक मैंने किसी भी ऐप या फिर किसी भी गेम के अंदर टॉप अप नहीं करा था। तभी तो मैं ये स्टोरी टाइम बता रहा हूँ, वरना शायद ये स्टोरी टाइम बताने लायक नहीं होता। ये कहानी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जिसके पास कोई भी अच्छा मोबाइल नहीं था, और उसके अलावा उसके जितने भी दोस्त थे सभी के पास अच्छा फोन था, जिस वजह से उसके सभी दोस्त पबजी खेलते थे, लेकिन ना ही तो उसके फोन में इतनी स्टोरेज थी, ना ही उसके पास इतना इंटरनेट था जो वो पबजी डाउनलोड कर ले। एंड गेस व्हाट, वो बच्चा कौन हो सकता है? आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस करा, वो बच्चा मैं ही था। मेरे फोन में इतना स्टोरेज नहीं था कि मैं पबजी डाउनलोड कर लूं। तो यार इसी मजबूरी की वजह से मुझे फ्री फायर को डाउनलोड करना पड़ा, क्योंकि मैंने यूट्यूब के अंदर एक वीडियो देखा था जिसके अंदर वो बंदा बता रहा था फ्री फायर जो है पबजी का लाइट वर्जन है। तो लगभग मैंने फ्री फायर को 2 महीने तक पबजी समझकर खेला। मेरे और भी जितने दोस्त है जिनके पास भी अच्छा फोन नहीं था उनको भी मैंने फ्री फायर के बारे में बताया, और उसके बाद हम लोगों ने अपना एक स्क्वाड बनाया, फिर हम लोग साथ में खेलने लगे। तो हमारे स्क्वाड के अंदर मैं, मेरा एक दोस्त जो कि मेरे घर के पास ही रहता था, और मेरा एक कजिन था, उसके अलावा हम लोग एक बंदे को रैंडमली ले लिया करते थे और आराम से एक साथ बैठकर फ्री फायर खेलते थे। और मैं सच बता रहा हूँ, चाहे उस टाइम मेरे पास ना ही एक अच्छा फोन था और ना ही उस टाइम में मैं फ्री फायर में टॉप अप करता था, लेकिन तब भी वो टाइम मेरा फ्री फायर का सबसे बेस्ट टाइम था। उस टाइम पे हमारे स्क्वाड के तीनों बंदे साथ में बैठकर खेलते थे और हम लोग अपने घर में बैठकर नहीं खेलते थे, हमारे घर के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ रहता था, तो हम लोग उसी के ऊपर बैठकर फ्री फायर खेलते थे। तो हम लोग फ्री फायर को लगभग 9 या फिर 10 बजे से खेलना स्टार्ट करते थे, और फिर 2 या 3 घंटे फ्री फायर खेलने के बाद हम लोग जाते थे, हमारे घर के पास एक समोसे का ठेला लगता है, हम लोग वहीं पर जाते थे और कुछ समोसे खा लिया करते थे, 5 या फिर 10 रुपए के समोसे खाकर अपने घर पर वापस आ जाया करते थे। सच में हमारा डेली का रूटीन था, लेकिन यार तब भी इस चीज में इतना मजा आता था। ये चीज तो आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, जब भी आप लोग अपने किसी दोस्त के साथ खेलते हो तो आपके मन में एक बात जरूर आती होगी, कैसे भी करके आप लोग अपने दोस्त से बेटर बन जाओ, आप चाहे वो रैंक हो, ड्रेस हो, लेवल हो, गेम प्ले हो, कुछ भी हो। तो ये चीज मेरे और मेरे दोस्त के साथ भी हो रही थी, हम लोग कंपटीशन करते थे अपना रैंक का, हम दोनों में से रैंक में कौन आगे निकल जाएगा। लेकिन यार अफसोस की बात यह है, हर बार जो मैं इसका रैंक के कॉम्पिटिशन में हार जाया करता था, जैसे अगर कभी भी मैं गोल्ड 3 पे रहता था तो वो बंदा गोल्ड 4 पे रहता था, अगर मैं प्लेटिनम पे रहता था तो वो डायमंड पे रहता था। लेकिन एक बात थी, लेवल में हमेशा मैं ही उस बंदे से आगे रहता था। मान लो अगर जैसे उस बंदे का लेवल 50 होता था तो हमेशा मेरा लेवल 51 ही होता था, मतलब उस बंदे से मैं लेवल में कम से कम 1 पॉइंट तो आगे रहता ही था। लेकिन यार असली ट्विस्ट तो यहीं पर आता है, अभी तक हम लोगों के बीच में जो कंपटीशन चल रहा था उसमें डायमंड की बात नहीं हो रही थी, ना ही टॉप अप की हो रही थी, लेकिन तभी हमारे गेम के अंदर एंट्री हुई स्कलमास बंडल की। यार जितने पुराने प्लेयर होंगे उनको पता होगा स्कलमास बंडल की पहले कितनी वैल्यू थी। अब यार स्कलमास बंडल गेम के अंदर आने के कुछ टाइम बाद ही मेरा दोस्त था उसके अकाउंट में एयर ड्रॉप आ गया। अब उस टाइम तक हम लोग कुछ भी एयर ड्रॉप के बारे में नहीं पता था, कैसे एयर ड्रॉप होता है, कैसे इसको परचेस करते हैं, लेकिन ये चीज बस मुझे लगती थी। जब अगले दिन हम लोग गेम खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वहां पर मुझे देखने को मिलता है उस बंदे के पास आ चुका है स्कलमास बंडल। अब उस बंदे की आईडी में स्कलमास बंडल देख के मेरे फेफड़े हिल जाते हैं और मैं गेम में हर एक इवेंट चेक कर लेता हूँ, कहीं पर स्कलमास बंडल फ्री में तो नहीं बट रहा है, क्योंकि ये बात तो मैं भूल चुका था उस बंदे की आईडी में एयर ड्रॉप भी तो आया था। तब मुझे पता चलता है उस बंदे ने अपनी आईडी के अंदर पहली बार एयर ड्रॉप बाय करा था, मतलब कि उस बंदे ने फ्री फायर के अंदर टॉप अप करा था। अब उस दिन से मैंने भी ठान लिया था भाई कैसे भी करके मुझे भी एयर ड्रॉप बाय करना ही है। तो उस बंदे से मैंने पूछा फ्री फायर में टॉप अप कैसे करते हैं, तो उसने मुझे बताया पेटीएम के बारे में। अब पेटीएम तो मैंने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन पेटीएम में पेटीएम कैश कहां से आता, क्योंकि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था। फिर यहां तक मुझे लग रहा था बिना बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम के टॉप अप करना इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी मुझे पता चलता है रिडीम कोड के बारे में। यार मुझे ये तो पता चल गया था हम लोग रिडीम कोड से टॉप अप कर सकते हैं, लेकिन यार ये रिडीम कोड मिलता कहां पर, क्योंकि मेरे घर के पास कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी जो कि रिडीम कोड दे दे। लेकिन सालों की मेहनत के बाद मुझे पता चलता है हम लोग रिडीम कोड को कैश ऑन डिलीवरी से मंगा सकते हैं। अब ये चीज पहले मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ट्राई करी थी, लेकिन उन दोनों पर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन पहले एक वेबसाइट थी जहां पर हम लोग कैश ऑन डिलीवरी पर रिडीम कोड मंगा सकते थे। अब उस वेबसाइट के बारे में पता चलने के बाद सच में मैं इतना ज्यादा खुश था ना उस दिन, मैंने सोच लिया था आज तो रिडीम कोड मंगा कर रहना है। लेकिन जैसे मैं वेबसाइट ओपन करता हूं तो वहां पर चल रहा होता है बहुत ही बड़ा स्कैम। अगर आप लोग कहीं से भी रिडीम कोड लेते हो तो आप लोगों को 10 या फिर 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन वहां पर तो 300 रुपए का रिडीम कोड सीधा 500 रुपए का मिल रहा था, मतलब वो लोग सीधा 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे। अब ये चीज देखकर बुरा तो मुझे भी लगा था, लेकिन मेरे सर पर तो टॉप अप करने का भूत सवार था, तो मैंने बिना कुछ देखे वो रिडीम कोड ऑर्डर कर दिया। तो ऑर्डर करने के लगभग 10 या फिर 15 दिन बाद वो रिडीम कोड मेरे घर पर पहुंचा। अभी आप लोग सोचोगे रिडीम कोड अगर घर तक आया तो वो कैसा होगा। उस टाइम पे मैं भी ये सोचा था, मुझे लग रहा था जो डिलीवरी बॉय होगा वो मुझे रिडीम कोड बता जाएगा और चला जाएगा, लेकिन उसने तो मुझे कोई पार्सल दे दिया। जैसे घर पे आके मैंने उस पार्सल को खोला तो उसके अंदर मुझे देखने को मिला वहां पर कुछ एटीएम कार्ड जैसे कोई चीज थी जिसके ऊपर गूगल पे लिखा था और उसके पीछे लिखा हुआ था रिडीम कोड। और सच में रिडीम कोड ज्यादा अच्छा तो मुझे गूगल प्ले का कार्ड लग रहा था, और इसी वजह से वो जो गूगल प्ले का कार्ड था उसको मैं अपने स्कूल में ले गया था और उसको दिखाकर मैंने अपने सभी दोस्तों को बेवकूफ बनाया था। मैंने उन लोगों को बोला था मैंने गूगल कंपनी के अंदर अपना बैंक अकाउंट खुलवाया और ये मेरा क्रेडिट कार्ड है।
और फिर क्या था, उस कार्ड के पीछे एक स्क्रैच करने की जगह थी जिसके अंदर हमारा रिडीम कोड था, तो मैंने उसको रिडीम कर लिया और उन 300 रुपए से 30 एयर ड्रॉप बाय करे। पहले तो फ्री फायर के अंदर 10 वाले एयर ड्रॉप भी बहुत सारे आते थे, इसी वजह से मैं एयर ड्रॉप के अलावा कुछ और परचेस करता ही नहीं था। ये था मेरे पहले टॉप अप के पीछे का स्टोरी। आप लोग यार कमेंट करके बताओ आप लोगों को स्टोरी टाइम कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो पे 80,000 लाइक कंप्लीट होते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। चलो गाइस, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। আমি তো সরু মানু সরু হয়ে থাকিম, আমি তো সরু মানু সরু মানু সরু মানু আমি তো।